A very warm welcome to this video. This is Aastha. Hope you all are doing well. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना ही इम्पॉर्टेंट है। सफलता हासिल करने के लिए हम सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग जाते हैं, अपना 100% देते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी है? हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक सभी हमें एक ही हिदायत देते हैं। उनका कहना ये होता है कि सफल होने के लिए पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करोगे तभी आपको अच्छा करियर और सफलता हासिल होगी। उनका ये कहना गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपने जीवन में कई उदाहरण ऐसे भी देखते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं फिर भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल की है उन्होंने। बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग, उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनके लिए, उनके अंडर काम कर। ऐसे उदाहरण देख के हमें प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ ही हमारे मन में एक सवाल उठता है कि सफलता के लिए पढ़ाई का कितना महत्व है। कम पढ़े लिखे लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो अधिक पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताऊंगी जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सिर्फ पढ़े नहीं, इम्प्लीमेंट भी करें। कामयाब लोग हमेशा ही अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने पर यकीन करते हैं। वहीं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और कम पढ़े लिखे कामयाब लोग अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से काम करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि भले ही आप पढ़े लिखे हैं, भले ही आप कम पढ़े लिखे हैं, भले ही आपने अपनी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट की है या आपने अपनी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट नहीं की है, आपको समय पर एक्शन लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सोच बदलें। कामयाब व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता कि दूसरा व्यक्ति उनसे कितना अधिक विद्वान है या उनसे कितना अधिक कमाता है या उनसे कितना अधिक खर्चा करता है। वे हमेशा ही अपने से कामयाब, अपने से अधिक कामयाब और अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से सीखते हैं और सिर्फ अपने ही गोल पर ध्यान रखते हैं। वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते बल्कि अपने से कामयाब लोगों की सराहना करते हैं। यह बात सभी स्टूडेंट्स को भी अपनानी चाहिए। जैसे कि वो अपने से अच्छे स्टूडेंट्स या अपने से टॉपर स्टूडेंट्स को देखकर अपना मन खट्टा ना करें, उनसे ईर्ष्या, उनसे कंपटीशन वाली फीलिंग ना रखें, बल्कि उनसे अच्छी पढ़ाई करने की सीख लें और अपने अच्छे रिजल्ट्स की कामना करें। साधारण जीवन शैली अपनाएं। दोस्तों आपने बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी जैसे प्रसिद्ध और कामयाब व्यक्तियों के बारे में तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। ये सभी व्यक्ति कामयाब ज़रूर हैं लेकिन अपने साधारण जीवन के साथ ही इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और यही सबसे बड़ी खास बात होती है कामयाब लोगों की, कि वो कभी भी अपने साधारण जीवन शैली को नहीं छोड़ते। डिग्री या उच्च शिक्षा का महत्व समझें। अधिकतर कम पढ़े लिखे सफल लोगों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। उनका अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने बिजनेस स्टार्ट करने का या कुछ और करने का ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बेशक उन्होंने अपनी डिग्री हासिल नहीं की, अपनी डिग्री बीच में ही छोड़ दी, लेकिन कामयाब होने के लिए उनकी स्किल्स उनके बहुत काम आए। तो स्टूडेंट्स को खुद यह तय करना है कि वो अपनी कामयाबी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। रिस्क उठाने वाले बने। सफल व्यक्ति भले ही कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उनकी एक बात जो एक दूसरे से मिलती है वो ये कि वो किसी भी तरह का नुकसान, किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। अक्सर हम रिस्क का सोच के, नुकसान का सोच के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन कामयाब व्यक्ति इतना नहीं सोचते। हालांकि
वो एक अनुमान ज़रूर लगाते हैं, लेकिन अगर उन्हें नुकसान के साथ साथ फ़ायदा दिख रहा होता है तो वो रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते। और ये रिस्क को मात देने वाली ही बात थी जो धीरू भाई अंबानी ने 500 रुपए से 75,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी स्किल्स की तरफ भी ध्यान दें। जिन कामयाब और सफल लोगों ने अपनी पढ़ाई करते करते बीच में ही छोड़ दी थी, उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ध्यान दिया था। जैसे कि आप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ अपनी मैट्रिक्स की शिक्षा ही प्राप्त की है। आप दीपिका पादुकोण को देख लीजिए, उन्होंने भी सिर्फ हाई स्कूल की ही शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इन लोगों ने अपने टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी पर भरपूर ध्यान दिया है और जीवन में सफलता हासिल। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हर स्टूडेंट्स को ये बात समझनी होगी कि सिर्फ पढ़ाई ही उन्हें सफलता नहीं दिलाएगी, बल्कि उन्हें अपनी स्किल्स और अपनी बुद्धि कौशल का भी उपयोग करना होगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।